बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस क्या हैं। नाउ डियर स्टूडेंट ऑफ सेवेंथ क्लास, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम और व्हाई इलेक्ट्रिसिटी इज डेंजरस। सो लेट स्टार्ट। इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट क्या हैं? इलेक्ट्रिसिटी इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ अवर लाइफ। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन नॉट इवन टर्न ऑन अ लाइट बल्ब। बट इन सब बेनिफिट्स के साथ साथ इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एनी कंडक्टर अवेलेबल। कंडक्टर वो होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके। एंड यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बता दूँ व्हाट इज़ कंडक्टर एंड व्हाट इज़ इंसुलेटर। कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज फ्लो कर सकते हैं। इंसुलेटर आर दोज जिसके अंदर से चार्ज फ्लो नहीं करता। सो आवर बॉडी इज़ आल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर इलेक्ट्रिसिटी को कहीं पर कोई मौका मिलता है या कहीं हम उसके सामने होते हैं, हम उसकी कोई चीज़ टच करें जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही हो, तो हमारी बॉडी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो हमें इससे क्या हो सकता है? कैन कॉज इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक बर्न्स एंड इवन डेथ भी हो सकती है। व्हेन इट पास थ्रू अ लाइव बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक शॉक विच कुड बी डेडली। सम प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग दैट कैन बी डेंजरस फॉर अस आर दीज। सो आप इसमें देख सकते हैं कि कितने मिली एम्पेयर जो हैं वो हमें कितना ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। देखें, अगर आप 1 मिली एम्पेयर से दें, वो सेंसेशन फील होती है, माइल्ड सा शॉक होता है, करते करते इवन स्वेयर बर्न से एंड पे आप खुद देख सकते हैं विल लाइट 100 वाट बल्ब, मीन 1000 मिली एम्पेयर तक जाए तो एक लाइट बल्ब जल सकते हैं, तो हमारी बॉडी फिर बर्न हो जाती है और इससे डेथ भी हो जाती है। तो अब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ कॉमन देखते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स के फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिकल सर्ट, उसके बाद सेक्स इन डिप इन पावर, उसके बाद लाइट स्विचेस नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सर्किट ब्रेकर हो जाते हैं, उसके बाद सर्किट ओवरलोड हो जाता है। मैंने आपसे कहा था ना कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें फ़्लो ऑफ चार्जेज हैं, जब बहुत ज़्यादा चार्जेस फ्लो करते हैं, हाई वोल्टेज होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, हिंड्रेंस काज होती है, वो होती है रेजिस्टेंस। लेकिन जब हम रेजिस्टर यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस के लिए, तो वहाँ पर वोल्ट का लेवल बराबर हो जाता है। फिर लाइट टू ब्राइट हो जाती है, डिम हो जाती है, इलेक्ट्रिकल शॉक्स होते हैं, हाई इलेक्ट्रिकल बिल होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स हैं। नॉन इंसुलेटेड जॉइंट्स होते हैं, पुअर वायरिंग होगी, अगर पुअर इंसुलेशन ऑन वायर्स, वेट कंडीशंस, मीन जो वाटर है ना वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो वेट चीज़, जो गीली चीज़ होती है, उसको फ़ौरन से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक शॉक मिल सकता है। इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग मीन्स जहाँ पर वायरिंग हुई हुई है या तो मेन वायर्स आई हुई हैं वो प्रॉपर तरीके से ग्राउंड नहीं हुई भी, तो वो भी एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। उसके अलावा सॉकेट हैं उस जगह पर जहाँ पर कहीं करीब भी पानी का कोई सोर्स है, तो वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सो इन सब को कवर अप करने के लिए कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। वी कैन सेफली यूज़ इलेक्ट्रिसिटी बाय फॉलोइंग दीज प्रिकॉशंस। एवरी इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट शुड नो कि ये सब क्या है जिसकी वजह से हम लोग इतने बड़े नुकसान से बच सकते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं? आप जो हैं जनरल साइंस के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। वी कैन सेफली यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। सो हाउ? डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल वायर्स। आप इलेक्ट्रिकल वायर्स को टच ना करें। समवन हु हैज़ बीन इलेक्ट्रोकंडक्टेड मीन्स स्पेशली, वैसे भी वायर्स को टच ना करें, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रोकंडक्टेड मीन इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता कि हो रही है या नहीं, तो फिर भी किसी सूरत ना टच करें ये चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं। उसके लिए भी कोई अप्लाइंसेज होते हैं जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन उसको टच मत करें। नो योर इलेक्ट्रिकल कोड। फिर उसके बाद ऑलवेज यूज GFCs इन डैम्प और वेट वर्क एरियाज। मीन्स एक सेफ्टी मेजर्स होती हैं, उनको यूज़ करें ताकि जहाँ पर वेट एरियाज, गीले एरिया हैं, आप लोगों को पता है कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी आपको शॉक दे सकती है, तो वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स यूज़ करें।
उसके बाद इलेक्ट्रिकल टूल्स जो हैं उनको मेंटेन रखें, आपके घर में जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रिकल उनकी वायर्स ख़राब ना हुई हों, कहीं से उसकी वायर सामने ना हो, उसकी कवरिंग कंप्लीट हो ताकि कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम ना हो, उसके प्रॉपर लॉकआउट को फॉलो करें। फिर प्रोसीजर, टेक आउट प्रोसीजर मीन टेग्स लगे होनी चाहिए डेंजर के यहाँ पर आपने टच नहीं करना या इलेक्ट्रिसिटी डेंजर है यहाँ पर, इस तरह के। उसके बाद राइट सेफ्टी गेयर यूज़ करने, मींस मैंने आपको कहा ना सेफ्टी मेजर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चूज़ अ राइट लेडर। उसके बाद अवॉइड पावर लाइन्स, देन इसके अलावा भी बहुत से, डू नॉट ओवर पावर सॉकेट्स, यूज अर्थ अप्लाइंसेज, डू नॉट इंसर्ट एनी थिंग इन टू इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, कि स्विचेस वगैरह में भी कुछ भी ना लगाएं, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज में कोई चीज़ ना डालें। नेवर रन अ वायर अंडर द कारपेट, कारपेट के नीचे वायर को ना रखें। उसके अलावा नेवर यूज एन इलेक्ट्रिक अप्लाइंस व्हेन स्टैंडिंग इन वाटर, वाटर के अंदर आप खड़े हैं तो किसी इलेक्ट्रिक अप्लाइंस को आप यूज़ मत करें। वियर स्लीपर्स बिफोर ऑपरेटिंग एनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस, कोई भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस यूज़ करें, इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम करें तो अपने स्लीपर्स जो हैं वो पहन के रखें, क्योंकि मैंने आपको कहा हमारी बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो एकदम से इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके अंदर हमारी बॉडी से फ्लो करना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। दीज आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस फ्रॉम विच वी कैन सेव अस फ्रॉम एनी डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Thank you. Have a nice day.